वीरू, मैं पृथ्वी शॉ की भी बात करना चाहूंगा बहुत जल्दी, क्योंकि हुनर की भी कोई कमी नहीं है। दिखाया है उन्होंने कि क्या हुनर है उनका। आपकी क्या सोच है उनके बारे में, उनकी शॉट सिलेक्शन के बारे में, उनके प्रदर्शन के बारे देखिए, इम्पोर्टेंट सिर्फ किसी भी स्ट्राइकर के लिए यही होता है कि वो अपनी उसकी शॉट सिलेक्शन अच्छी होगी, क्योंकि 6 गेंदे खेलोगे तो 2 गेंदे तो बॉलर खुद ही दे देता है। आप जबरदस्ती अगर पीछे पड़ोगे किसी के तो फिर आउट होने के चांसेस है। क्योंकि मैं एक खिलाड़ी थे हमारी टीम में दिल्ली में, जब मैं रणजी ट्रॉफी खेलता था, उन्मुख चंद। करेक्ट। उन्मुख चंद वो वाइट बॉल के इतने अच्छे प्लेयर थे, लेकिन जब वो 4 डे में आते हैं ना तो उनकी सारी सारी मेंटल स्टेबिलिटी बिगड़ जाती थी कि किसको मारूं, किसको छोड़ू, क्या करूं। तो मैं उनको सिर्फ ये कहता था कि जो तुम व्हाइट बॉल से क्रिकेट खेलते हो और उसमें बॉल पिक करते हो चौका या छक्का मारने के लिए, वही रेड बॉल से पिक करो। गेम अलग नहीं है, बॉल अलग है सिर्फ। तो यही पृथ्वी शॉ के लिए भी है कि अगर वो राइट बॉल पिक करेंगे मारने के लिए, जो उनकी स्ट्रेंथ है, तो ओपनर का जो फायदा होता है ना, वही होता है कि 36 बॉलों में से अगर वो 15 बॉले खेलता है तो उसके कहीं भी 25-30 रन नहीं गए। या पृथ्वी के साथ थोड़ा उल्टा हो रहा है, उन्मुक्त का उल्टा हो रहा है कि रेड बॉल में बन बिल्कुल, रहे वो रेड हैं। बॉल में नहीं मार पा रहे थे, ये रेड बॉल में सेंचुरियां मार रहे हैं, व्हाइट बॉल में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो मेरे ख्याल से वो अपने आप को समय भी दें। और मैं ये कहता हूँ कि अगर 150 का स्ट्राइक रेट लेना है आपने, सपोज करो आपने 10 बॉल में 5 ही रन बनाए, 2 या 3 छक्के या 2 या 3 चौके की जरूरत है, उसके बाद आपका स्ट्राइक रेट वापस 150 का आ जाएगा। वो तब होता है जब आप 100 बॉल खेले और आपने बनाए 50 रन, फिर 150 का स्ट्राइक रेट आने में टाइम लगेगा। यहाँ तो आपने 10 डॉट बॉल खेली, अगली दो पे 2 छक्के मारे, 100 का स्ट्राइक रेट आ गया 12 पे 12। फिर और आगे जाओगे तो 2 चौके 1 चौका लगेगा, सिंगल लोगे तो स्ट्राइक रेट ऑटोमेटिकली बढ़ता है। स्ट्राइक रेट के बारे में पहले से सोचते हैं ना, फिर वो गलत कर देते हैं, फिर वो लप्पा मारने जाते हैं, गलत बॉल को चूज करते हैं, आउट हो जाते हैं। और ज्यादा दूर देखने की जरूरत नहीं है अजय, क्योंकि राहुल और रोहित दोनों ने यही किया अपनी शानदार पारियों में। आई थिंक आपने अभी सुना ही है, वन ऑफ द बेस्ट ऑल टाइम में से बल्लेबाजी के, उन्होंने अभी बताया कि क्या होना चाहिए माइंडसेट, और वो माइंडसेट ही डिफरेंशिएट करता है खिलाड़ियों को, क्योंकि स्किल सबकी अलग है। रोहित और राहुल की भी आपने कहा, उनकी शॉट्स जो है उनकी भी अलग है, वो उन्होंने अपना बनाना है। यू नो, पृथ्वी शॉ के लिए खाली यही कह सकते हैं, अगर आप पृथ्वी शॉ को देखें तो अगर कोई उनकी से बात कर रहा है तो ये कहे, यार एक बात सुन, सिर्फ एक जगह आउट मत हुई हो मिड ऑन पे ऊंची मारते हुए, ठीक है? तो क्या होगा नहीं, क्योंकि गेम उनको अगर कट के लिए मिल गई ना पहली 3-4 बॉल तो वो रन बनाते हुए दिखेंगे आपको। और दीपक चहर के विरुद्ध अगर आपने जो मैचअप किया हुआ था अभी दिखाया था, तो उनकी स्ट्रेंथ क्या है, वो आगे डाल के थोड़ा सा स्विंग करा। क्योंकि मैंने पृथ्वी शॉ को बहुत अच्छा खेलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फ्रंट फुट से मिड ऑफ मिड ऑन के बीच में ड्राइव नहीं मारते जोर से, तो इसका मतलब ऐसे ही रहते हैं ना, तो और कट तो मारते ही अच्छा, तो अगर वो आगे वाली को रोक ले। यार एक्चुअली सबसे बढ़िया तरीका है, सुनील गावस्कर सर से पूछा था एक बार कि यार फास्ट बॉलर खेल रहे हो और तकलीफ हो रही है तो क्या करना चाहिए, भाई दीपक चहर ने 2 ओवर डालने या 3 12 बॉल ही है ना, सामने खड़ा हो जा अपने पार्टनर को इतना सा, क्योंकि ये तालमेल भी टीम में तब हो सकती है जब अगर आपका पार्टनर आपके साथ है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि 2020 क्रिकेट में आप दोनों ओपन करने गए हो, आप 2 बॉलों से ज्यादा खेल लें उसके विरुद्ध जिसके विरुद्ध आप नहीं खेलना चाहते, क्योंकि टोटल बॉल 24 डालता है मैच में वो गेंदबाज, अगर 12 पहले डालने वाला है तो वो आपका पार्टनर साथ होना चाहिए, आप उस एंड पे ना जाए। तो अलग अलग तरीके हैं, या मिड ऑन पे ऊंचा मार के आउट मत होना, या दूसरे एंड पे रह जाओ। मेरे लिए तो ये 2 एडवाइस है, सजेशंस है, एडवाइस इज अ बैड वर्ड, सजेशंस है। एक और आई, डेविड डेविड वॉर्नर के साथ जब मैं खेलता था और कोई ऑफ स्पिनर शुरुआत करता था तो जनरली मैं स्ट्राइक नहीं लेता था, तो उस दिन मैं स्ट्राइक लेता था। तो मैं मेक श्योर करता था कि डेविड वॉर्नर उसकी ज्यादा बोले ना खेले, इवन अगर पहली 2-4 बोले अगर सिंगल भी आ रहा है कहीं आसपास तो भी नहीं लेते थे, अवॉइड करते थे, क्योंकि वो ओवर मैं खेलता था। और फिर वो उधर से अगर फास्ट बॉलिंग लग रही है या कोई और लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर आ रहा, तो फिर वो एक बार वो सेटल हो गए ना, फिर उनको डर नहीं है। बट क्या पहला ओवर, पहली बॉल, पहली 2-3 बॉल अगर ठिकाने पर गिरती है तो उनके या तो पैड पर लगते हैं या वो कॉट बैंड हो जाते हैं या बोल्ड हो जाते हैं। तो वो पहला ओवर उनका अगर निकल जाता है, 2-3 बॉले वो खेल जाता है, फिर उन्हें डर नहीं है। तो शायद यही पृथ्वी शॉ के साथ भी, अगर वो पहला ओवर उनका निकल गया चहर का, तो फिर वो उनको डर नहीं होगा दीपक चहर को आउट होने का। फिर क्या है कि फिर वो ये ढूंढेंगे, अच्छा अब इसको मैं मारूंगा कहाँ, क्योंकि डर सिर्फ पहला ओवर का ही होता है। जो मुझे हमेशा से लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के लिए, अच्छा मिंडा वास हो चाहे ब्रैकन नेथन ब्रैकन हो, ये पहले ओवर में अगर मैं स्ट्राइक लेता हूँ, अगर वो टप्पे पे पड़ गई, अंदर आई, पैड पे लग गई या बोल्ड, बहुत बारी हुआ मैं तो, 3 या 4 बारी मुझे खुद याद है, मिंडा वास को और नेथन ब्रैकन को मैं पहली पहली बॉल, मैच की पहली पहली बॉल पर आउट हुआ हूँ।